है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 और अभी शादी में मैं जा रही हूँ बैडमिंटन खेलने, तो अभी चलते शाहिन के पास और फिल्म मिलते हैं। वाइस तो हम गए थे सुबह साइकिल चलाने, हुआ ये था कि हम लोग को तो जाना था बैडमिंटन खेलने लेकिन यू उठानी, तो शादी में अकेले क्या कर रहे, तो हम लोग साइकिल चलाने चले गए। साइकिल चलाने के बाद अभी आ रहे हैं बहुत जल्दी पसीने, तो अभी हम लोग करेंगे फेस वॉश। आज की जो वीडियो है ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई स्किन केयर टिप्स दो, स्किन के बारे में कैसे अपनी फेस की स्किन को साफ रखना है, तो ये वीडियो उसके बारे में। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक देखो, वरना आप यहाँ से क्विट कर सकते हो। तो मैं जो टिप दे रहा हूँ ये मेनली फोकस करती है एक्नी रिमूवल के लिए। इसके लिए आपको पहला जो है वो फेस वॉश यूज़ करना है, कोई भी फेस वॉश चलेगा जो एक्नी रिमूवल से डील करता हो। अभी तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ गार्नियर का, चलो इसको पहले अप्लाई। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे मैंने फेस वॉश लगा लिया है, अब इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद इसे पानी से वॉश करो। अब 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने फेस वॉश कर लिया और जब मैंने फेस वॉश लगाया तो हुआ क्या, मेरी स्किन के जो पोर्स हैं, जो ऑयल निकलता है यहाँ से, तो उस पोर्स को अभी हमने ओपन करा है। तो एक्ने तब होता है जब पोर पे ऑयल निकलता है और वो वहाँ पे रुक जाता है, वहाँ पे रुकने के बाद क्या होता है फिर वो स्वेल हो जाता है, जिसे हम एक्ने कहते हैं। तो अभी क्या होगा, अब हम इसके ऊपर स्क्रब लगाएंगे जिससे कि ये जो सारे पोर्स हैं ये साफ़ हो जाएंगे। और जो स्क्रब होता है वो काफ़ी लोग कहते हैं महंगा आता है, तो भाई महंगा आता है ऐसा कुछ नहीं, आप घर पे बना सकते हो। तो आज वाली वीडियो में मैं आपको घर से स्क्रब बना के और उसे लगाने के दिखाऊंगा। अब स्क्रब बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है नारियल का तेल, शुगर पाउडर नहीं है इसलिए मैं शुगर यूज़ कर रहा हूँ, वरना आप शुगर पाउडर यूज़ करो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, और उसके बाद एक कॉफ़ी पाउच। तो अब इसका प्रोसीजर देखते हैं इसे कैसे बनाना है। पहले हम इस शुगर में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करेंगे। एक पैकेट कम लग रहा है तो मैं एक पैकेट और डाल देता हूँ। तो अब हमने इसको 2 पैकेट वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये स्क्रब जो है ये तैयार है, अब आप इसको फेस पे लगा सकते हो। तो चलो इसको फेस पे लगा के आपको देखो। तो अब आप देख रहे हैं मैंने स्क्रब को फेस पे लगा लिया, अब इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद इसे वॉश कर लेंगे। अभी 5 मिनट हो चुके हैं, हमने स्क्रब को भी वॉश आउट कर दिया है, तो अभी फेस थोड़ा क्लियर लग रहा है। तो अभी आपको दूसरा क्या करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर, क्योंकि जो हमने किया था फेस वॉश लगाया था, तो फेस वॉश लगाने से क्या हुआ था, हमारे जो पोर्स थे वो ओपन हो गए थे। पोर्स ओपन होने के बाद हमने उसके ऊपर स्क्रब लगाया जिससे वो डीपली क्लीन हो गए, और उसके बाद अब हमें इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है जिससे वापस से क्लोज हो जाए। तो अभी मॉइस्चराइजर लगा के फिर आपसे मिलते रूम। तो अभी मैं सब कुछ करके रेडी हूँ, अब मॉइस्चराइजर लगा लिया तो फेस सेट है। तो अब मैं करता हूँ आपसे थोड़ी सी बातें। तो अब मैं आपको बताऊँगा, देखो जैसे स्क्रब लगाते हैं, स्क्रब स्किन के लिए इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, तो ट्राई करना जब आप स्क्रब लगाओ तो वीक में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं। और जो फेस वॉश है, फेस वॉश आपको मिनिमम दिन में 2 बार लगाओ तो बेटर है, उससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप फेस वॉश लगाओ उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो होल्स हमने फेस वॉश से ओपन करे हैं अब उन्हें वापस बंद भी करना है, और अगर अब आपने उसको क्लोज नहीं करा पोर्स को तो वहाँ पे फिर वो एक्ने फॉर्मेशन को लीड करता है। तो आज जो जो मैंने टिप्स बताई इनको आप रिपीट कर सकते हो डेली, लेकिन स्क्रब को छोड़ के, स्क्रब जो है वो थोड़ा स्किन के लिए हार्श साबित होता है अगर आप उसे हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा लगाओ तो। अब हम आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ऊपर तो आपको मेरी टिप पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट में टॉपिक बताना कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर अब वीडियोस चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट संडे जो टॉपिक आने वाला है वो शायद मैं सोच रहा हूँ एलोवेरा के ऊपर बनाएंगे, देखते जो भी होगा जैसा भी होगा आपको अपडेटेड रखेंगे। और अब आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया।